मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा और उससे पहले जरा तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में जब चेहरों को लेकर बातचीत की गई लोगों से, जब सर्वे हमने किया है, उसके क्या नतीजे आए हैं अलग अलग लोगों के बारे में जब वहां से बातचीत की गई। केसीआर के समर्थन में देखिए 34% लोगों ने वोट डाला है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि बंडी संजय की बात की जाए 14% लोगों ने इनके समर्थन में वोट डाला है। रेवंत रेड्डी 35% लोग आप देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी 35% पर पहुंचे हुए। ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी ऐसा कहने वाले भी 1% लोग मिले जो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लेकिन अभय जी ये बड़ा दिलचस्प है, अगर रेवंत रेड्डी के समर्थन में 35% लोग वोट डाल रहे इस रायशुमारी में। देखिए रेवंत रेड्डी तो तेलंगाना की राजनीति में उभरे हुए नए चेहरे हैं। उन्हें 2022 में कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था और के चंद्रशेखर राव जो कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको तेलंगाना राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है, वो भी उनसे 1% पीछे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि तेलंगाना में क्या होने वाला है और क्या घटित हो रहा है। तमाम एग्जिट पोल ने बिना किसी आपसी मतभेद के तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एग्जैक्ट पोल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कल पता चलेगा। रुझान सामने आ रहे हैं, आपका आंकड़ा जो रामकृपाल जी आपका भी, सुरेंद्र राजपूत जी, डॉक्टर अजय आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार जो बात कही जा रही है ना कि एग्जैक्ट पोल, तो उसका इंतजार करिए, बस कुछ घंटों का इंतजार है। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा सबसे तेज नतीजे, जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।